वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। अब चैप्टर में बात नारी पर आ गई है, यानी फीमेल्स पर। वुमेन का फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो ये कहता हूं, वुमेन का हर हिस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो किसी की भी इंटरनेट हिस्ट्री चेक कर लेना। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन वुमेन के ऊपर जरूर आता है। और बात इस चैप्टर की नहीं है, कहीं पर भी तुम्हें अगर वुमेन दिखे तो बस समझ लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुमेन फ्रांस की हिस्ट्री में शुरू से ही रही हैं। फ्रांस में जो जो बड़े बदलाव आए उनमें वुमेन का बड़ा योगदान था। वुमेन चाहती थी कि उनकी जिंदगी बदले। जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी उन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता था। उस टाइम पर वुमेन कपड़े धोने का काम करती थी, फूल बेचा करती थी, फल सब्जी बेचती थी, या फिर अमीर लोगों के घर डोमेस्टिक सर्वेंट बन के रहती थी। यहां हम उन्हें काम वाली बाई कहते हैं। लड़कियों के लिए एजुकेशन नहीं थी, यानी पढ़ाई की नो टेंशन। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की लड़कियां थी सिर्फ वही स्कूल जाती थी, और फिर बाद में उनकी शादी करा दी जाती थी। वर्किंग वुमेन के ऊपर बहुत काम था। फैमिली को देखना, खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, ब्रेड खरीदने के लिए लाइन में लगना, और उनकी तनख्वाह भी मर्दों से कम होती थी। वुमेन्स अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए पॉलिटिकल क्लब और अखबार खोल लेती है। उस टाइम 60 वुमेन पॉलिटिकल क्लब बने, और इनमें से जो सबसे फेमस था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब इनकी डिमांड सुनते हैं। वुमेन चाहती थी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलें, क्योंकि जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको मेकअप का सामान तो दिया पर राइट टू वोट नहीं दिया। वुमेन राइट टू वोट चाहती थी, साथ में वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहती थी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनना। उनका ये सपना तो सपना रह गया, पर उनकी लाइव्स इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए। चलो उन्हें देखते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल बनाए और लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया। दूसरा, अब लड़कियों को अपनी इच्छा से शादी करने का हक मिल गया। अब उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता था, 12वीं में पास हो जाइए वरना शादी करा देंगे तेरी। तीसरा, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था और उसे हमें रजिस्टर करना पड़ता था सिविल लॉ के अंडर। अच्छा, शादी के बाद क्या आता है? नहीं यार, बच्चे नहीं, बच्चे तो इंडिया में आते हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, डिवोर्स। गवर्नमेंट ने शादी के बाद सोची डिवोर्स की, डिवोर्स को लीगल कर दिया। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी डिवोर्स फाइल कर सकता था। अब बात पति पत्नी पर आ गई है तो एक जोक तो बनता है। एक बार कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा था तो जज ने फैसला सुना दिया, तलाक के बाद पति अपनी आधी सैलरी पत्नी को देगा। पति खुश होके कहता है, चलो साला अब तो आधी सैलरी मेरे पास आएगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, तो वुमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। अब वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकती थी या फिर आर्टिस्ट भी बन सकती थी। पर वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स अभी भी नहीं मिले, जैसे राइट टू वोट वगैरह वगैरह, तो इसके लिए स्ट्रगल चलता रहा। जब आतंक का समय आया, यानी मैक्सिमिलियन की सरकार आई, तो उसने सारे वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवा दिए। उसने वुमेन को बैन कर दिया पॉलिटिक्स में आने से।
जो जो वुमेन की इंपॉर्टेंट लीडर्स थी उनको अरेस्ट कर दिया और मार दिया। और ये दो तीन पॉइंट्स तुम उसकी करतूतों में भी लिख सकते हो जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। पर वुमेन की राइट टू वोट की जिद अगले कई सालों तक चलती रही और उन्हें आखिरकार 1946 में राइट टू वोट मिल गया। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मैं अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करके आता हूँ। काश कोई ऐसा ऑप्शन होता जिससे इस बुक की हिस्ट्री डिलीट हो जाती। 7654321 You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.